इंसान को आगे बढ़ना है तो प्रकृति के साथ चलना होगा। कहते हैं कि मानव समाज को ये बात अब ज्यादा से ज्यादा समझ में आती जा रही है, लेकिन अगर प्रयासों की बात करें तो गिने चुने लोग ही इस ओर कार्यरत हैं। आज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे यानी विश्व पर्यावरण दिवस पर हम चर्चा करेंगे 5 ऐसे बिजनेस आइडियाज की जो न सिर्फ पर्यावरण के लिए अच्छे हैं, बल्कि आपको भी एक बड़ा बिजनेसमैन बना सकती है। पहला, ऑर्गेनिक स्टोर। आज विश्व में स्वास्थ्य के प्रति जो जागरूकता है वो पहले से कहीं ज्यादा है। प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी स्तर पर अपने स्वास्थ्य के लिए प्रयास कर रहा है और ये ट्रेंड बढ़ता ही जा रहा है। ऐसे में ऑर्गेनिक स्टोर खोलकर आप एक ऐसा बिजनेस शुरू कर सकते हैं जो न कि बहुत प्रॉफिटेबल हो सकता है, बल्कि आने वाले समय में भी ग्रोथ की अपार संभावनाएं दिखाता है। ऑर्गेनिक स्टोर के रूप में आप किराना आइटम्स, स्किन केयर प्रोडक्ट्स, फूड आइटम्स इत्यादि के स्टोर खोल सकते हैं। ये एनवायरनमेंट फ्रेंडली होने के साथ साथ इसमें मार्जिन भी अच्छा खासा होता है और साथ ही सरकार भी इसको बढ़ावा देती रहती है। इसके लिए बस आपको कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना, बस परमिट और लाइसेंस बनवाइए, फंड का इंतजाम कीजिए, एक अच्छी लोकेशन जहां हायर इनकम क्लास और हायर मीडियम इनकम क्लास के लोग खरीदारी करने आ सके वो ढूंढिए, और बस मैनेज करने के लिए कर्मचारी लगाइए और शुरू हो जाइए। आप चाहे तो शुरू से ही ऑनलाइन डिलीवरी की सुविधा देकर अपने बिजनेस को तेजी से ग्रो करवा सकते हैं। दूसरा, रिसाइकलिंग बिजनेस। आज विश्व में रोजाना लाखों टन वेस्ट जनरेट होता है और ये देता है आपको एक नई बिजनेस अपॉर्चुनिटी। जी हाँ, वेस्ट कई प्रकार का होता है और उससे न जाने कितने रिसाइकल बिजनेस पॉसिबल हैं। सबसे पहले आपको चूज करना होगा कि आप कौन से वेस्ट को रिसाइकल करना चाहते हैं। जैसे एल्यूमिनियम है, बैटरीज हैं, कपड़े हैं, पेपर हैं, कंस्ट्रक्शन वेस्ट है, प्लास्टिक्स हैं, और इसके अलावा भी कई ऑप्शंस हैं। अलग अलग वेस्ट के लिए अलग मशीनें, अलग मार्केट की जरूरत होती हैं। क्योंकि भारत में आप वेस्ट इकट्ठा करने और उसको सेग्रीगेट के लिए लेबर सस्ते में पा सकते हैं, ये बिजनेस आपको काफी तरक्की दिलवा सकता है। तीसरा, मेकिंग क्लोथ फ्रॉम प्लास्टिक। CPCB यानी सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की 2017 की रिपोर्ट के अनुसार भारत में रोज 25,940 टन प्लास्टिक वेस्ट जनरेट होता है। अब इसमें से अधिकतर प्लास्टिक नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है, लेकिन बहुत सारा प्लास्टिक रिसाइक्लेबल होता है। जैसे प्लास्टिक बॉटल्स, इनको छिलने के बाद चिप्स में बदला जा सकता है जिसका यार्न बनाया जा सकता है, उसी यार्न को बुन के फैब्रिक बनाया जा सकता है। इस बिजनेस को शुरू कर आप काफी पैसा कमा सकते हैं। चौथा, इको फ्रेंडली टॉयज। बाजार में उपलब्ध अधिकांश खिलौने प्लास्टिक से बने होते हैं जिनमें टॉक्सिन्स होते हैं। ये खिलौने गैर बायोडिग्रेडेबल हैं और जब उपयोग के बाद फेंक दिए जाते हैं तो नुकसान पहुंचाने की क्षमता रखते हैं। आजकल कई पेरेंट्स अपने बच्चों को ऐसे खिलौने से दूर रखना चाहते हैं जो उनकी सेहत और पर्यावरण पर विपरीत असर डाल सकते हैं। ऐसे में आप अगर लकड़ी, बांस और मिट्टी जैसी चीजों के खिलौने बनाते हैं तो पर्यावरण के साथ साथ ये आपके बिजनेस का भी पूरा ख्याल रख सकते हैं। शुरू करने से पहले बस आपको कुछ चीजें समझनी होगी, जैसे बच्चों के खेलने के पैटर्न, खिलौनों की थीम और कॉन्सेप्ट इत्यादि। पांचवा, रिफर्बिशिंग इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स। ये किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है कि इलेक्ट्रॉनिक चीजों का हमारे जीवन में कितना उपयोग होता है, और जाहिर सी बात है कि उपयोग होता है तो चीजें खराब भी होती हैं और उन्हें बदल लिया जाता है। पर आप चाहें तो इन्हीं खराब हुई चीजों को कम दाम या कबाड़े के भाव पर खरीद कर उन्हें किसी एक्सपर्ट की मदद से वापस रीयूजेबल बना सकते हैं और मार्केट में रिटेलर्स को बेच सकते हैं या ऑनलाइन भी बेच सकते हैं। अगर आप इसमें पूरा डिस्क्लोजर ग्राहक को देते हैं कि कौन सी चीज इसमें काम नहीं कर रही है या कमजोर है, और साथ ही अगर गारंटी दे सकते हैं तो आप अपने बिजनेस को आगे लेकर ही जाएंगे। ये बिजनेस आइडियाज आप सिर्फ आज के मार्केट की नजर की जगह फ्यूचर मार्केट की नजर से देखेंगे तो आप पाएंगे कि ये एनवायरनमेंट फ्रेंडली बिजनेस आपको एक अलग मुकाम पर पहुंचा सकते हैं और साथ ही आपको एक बहुत जिम्मेदार नागरिक बना सकते हैं।
ओके क्रेडिट, भरोसा व्यापार का।